अगले साल और ज्यादा बच्चों को लैपटॉप दिए जाएंगे ताकि पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। तो ये जो आपने अभी वीडियो देखी, ये थी प्रीवियस ईयर हुए प्रोग्राम की, जिसमें कि आपके मामा जी द्वारा लैपटॉप योजना के सर्टिफिकेट और 25,000 रुपीस का अमाउंट बच्चों में बांटा गया था। एंड अगर आप एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि एमपी बोर्ड में पढ़ने के काफी सारे फायदे होते हैं, काफी सारे स्कीम्स और योजनाओं का बेनिफिट आपको दिया जाता है, जैसे मेधावी छात्र योजना, मुख्यमंत्री ई स्कूटी योजना, सुपर 100 एग्जाम, ऐसी काफी सारी स्कीम्स आपको दी जाती है। ये सीरीज की फर्स्ट वीडियो है, इसमें अपन बात करेंगे लैपटॉप योजना की रजिस्ट्रेशन से आपके बैंक अकाउंट में पैसे आने तक की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर दूंगा। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, सारे स्कीम्स की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो वीडियो का रोड मैप आप देख सकते हैं, वन बाय वन हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। देखिए स्टार्टिंग हम करते हैं कि ये स्कीम होती क्या है। अब देखिए, अगर आप एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन दे चुके हैं और अगर आपके परसेंटेज 75% के ऊपर आते हैं, अब देखिए ये जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो ऊपर नीचे होता रहता है। प्रीवियस ईयर तो 75% था, चाहे आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या फिर जनरल कैटेगरी से हो, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे दूंगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद और भी अपडेट्स आएंगी, कन्फर्मेशन आ जाएगा कि कितने परसेंटेज पर ये स्कीम्स बच्चों को दी जाएगी, तब मैं आपको बता दूंगा। इसी कारण से मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करके जरूर से रखिएगा, सारी अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर दूंगा। देखिए अगर आपके 12th में 75% के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर एमपी गवर्नमेंट क्या करती है, इन्होंने एक स्कीम बना रखी है कि जिन बच्चों के परसेंटेज अच्छे आएंगे 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में, उनको यहाँ पर 25,000 रुपीस का अमाउंट देते हैं। और इसी योजना का नाम रखा है इन्होंने लैपटॉप वितरण योजना। अब आप चाहे प्राइवेट स्कूल से हो, गवर्नमेंट स्कूल से हो, या फिर आप प्राइवेट फॉर्म भरा हो अपने, या फिर आपका रेगुलर एडमिशन है, आपको यहाँ पर इस स्कीम का बेनिफिट दिया जाता है। देखिए 2021-22 के सेशन में क्या हुआ था, जिन बच्चों ने प्राइवेट फॉर्म भरा था उनको इस योजना का फायदा नहीं दिया गया था, उनके बैंक अकाउंट में पैसे आए नहीं। और आपका ये जो सेशन है 2022-23 का, इसकी अभी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं आई है, तो वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। स्कीम के बारे में मैंने आपको बता दिया है, परसेंटेज मैंने आपको बता दिया है, आप अभी तो 75% मान सकते हैं, बाकी इसमें कोई चेंज होगा, कुछ अपडेट्स आएंगी तो वो मैं आपको बता ही दूंगा। अब देखिए बात करें कि ये स्कीम आपको 2023 में दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी, क्योंकि बीच में ये स्कीम बंद हो गई थी, 2018-19 के आसपास ये बंद हो गई थी, उसके बाद ये फिर से स्टार्ट कर दी गई थी। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है, यहाँ पर कुछ भी होता रहता है। तो मैं आपको यहाँ पर कन्फर्मेशन दे देता हूँ, स्टार्टिंग में मैंने आपको जो वीडियो दिखाई थी उसकी पूरी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अनाउंसमेंट की गई है कि ये जो स्कीम है वो अब बंद नहीं होगी, जब तक आपके मामा जी हैं तब तक ये स्कीम एक्टिव रहेगी। तो आप ये मान सकते हैं कि आपको इस योजना का बेनिफिट दिया जाएगा, परसेंटेज वगैरह फिक्स अभी नहीं है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। डेट्स की हम बात करें तो जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होगा उससे 15-20 दिन के बाद इसकी अपडेशन आ जाती है कि कैसा क्या हो रहा है स्कीम में, कहाँ पर क्या रजिस्ट्रेशन करने होते हैं। तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बता देता हूँ, अगर आपने प्राइवेट फॉर्म भरा है तो इसका फॉर्म आपको खुद से भरना पड़ता है, खुद से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वहीं अगर आपका रेगुलर एडमिशन है, किसी स्कूल में एडमिशन है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, स्कूल के पास आपका पूरा डेटा होता है, उनको पता होता है इस बच्चे कितने परसेंटेज आए हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो आपसे कह देते हैं, आप उनको भेज दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन वो खुद ही कर देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट देने रहेंगे, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। तो अगर आप भी एमपी बोर्ड एग्जाम्स रिजल्ट 2023 आराम से चेक करना चाहते हैं बिना किसी दिक्कत के, तो आपको आपका प्ले स्टोर ओपन करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है एमपी बोर्ड एग्जाम्स रिजल्ट 2023 नंबर का जो ऐप दिखेगा इसी को आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर आप चाहे तो रेटिंग दे सकते हैं, कुछ भी डिस्क्राइब आप कर सकते हैं। ऐप को आप जैसे ही ओपन करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, 10th रिजल्ट और 12th रिजल्ट। तो जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होगा आप इस ऐप के थ्रू भी आपका जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये ऐप दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए वेबसाइट की बात करें तो ये जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब इस वेबसाइट पर आप क्या क्या चेक कर सकते हैं, तो जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, अभी तो हुआ नहीं, आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद ही होगा, यहाँ पर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, या फिर आपका कोई मिस्टेक है, या फिर आपके पैसे नहीं आए हैं तो यहाँ पर आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप इस योजना के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर आकर देख सकते हैं। बाकी आपकी जो पात्रता रहेगी, आपका जो रोल नंबर रहेगा उसको भी इनपुट करके आप देख सकते हैं, अभी तो कोई फायदा नहीं है आपका, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके आप चेक कर भी सकते हैं कि इस स्कीम का फायदा आपको दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा है। तो ये पूरी प्रोसेस थी लैपटॉप योजना की, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बट इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि कहाँ किस वेबसाइट पर आपका रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे आप स्टेटस चेक कर सकते हो। अब बात करें इसके बेनिफिट की, तो आपका रिजल्ट आएगा उसके 1 से 1.5 महीने के बाद ये स्कीम एक्टिव होगी, फिर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसके बाद आप ऐसा मान सकते हैं कि धीरे धीरे बच्चों के जो बैंक अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाते हैं, उसमें आप 10 से 15 दिन का टाइम मान सकते हैं कि इतने टाइम में सभी बच्चों तक पैसे पहुंच जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं।